पिच का अमल दखल जो है वो ऐसा है कि आपको अफसोस होता है कि यार वर्ल्ड कप हो रहा है और इस तरह की परफॉर्मेंसेज बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है लेकिन क्या करेंगे आप क्रिकेट है कुछ भी हो सकता है और कल के मैच की बात जिस तरह की जा रही है कि क्यों आपको नजर आया कि इंग्लैंड की टीम के कैप्टन जैस पटलर ने टॉस जीता और टॉस जीत कर पहले फील्डिंग का फैसला उन्हें तो पता था कि इंडिया के जो कैप्टन हैं रोहित शर्मा वो हमेशा से ब्रूटल अंदाज में बैटिंग करते हैं और नो मैटर व्हाट जैसी भी सिचुएशन हो वो अपना एक टी ट्वेंटी के तेज का अंदाज जो है वो खेलना जारी रखते हैं और कल भी हमने देखा कि ओपनिंग जोड़ी विराट कोहली इस पूरे वर्ल्ड कप में द चैम्पियन बैट्समैन वो बुरी तरह से नाकाम हुए सात इनिंग में सिर्फ पचहत्तर रन बनाए और सैंतीस उनका हाई स्कोर और एक चौबीस रन उन्होंने बनाए तो ये किसी हद तक आप कहें दो इनिंग है लेकिन इसके अलावा किसी भी इनिंग में वो डबल फिगर्स में भी दाखिल नहीं हुए तो उनकी तरफ से इंडियन क्रिकेट टीम को बड़ी मायूस हुई लेकिन इतनी स्ट्रांग इंडियन बैटिंग लाइनअप है कि अगर एक विराट कोहली जैसा बैट्समैन नहीं चलता तो रेस्ट ऑफ द बैटिंग वो कंट्रीब्यूट करता है ये नहीं कि टीम एक या दो प्लेयर पे मुश्तमिल है टीम ग्यारह पे मुश्तमल है और हमने देखा कि इस मैच में जो कि दूसरा सेमीफाइनल गयाना में खेला गया और इंडिया की टीम ने पहले बैटिंग की और मुकर बीस ओवर्स में सात विकटों के नुकसान पर एक सौ इकहत्तर रन बनाए पार टोटल देखा जाए तो इस ग्राउंड पे हंड्रेड एंड सिक्सटी सेवन तो इंडिया ने उससे ज्यादा रन बना लिए चार रन ज्यादा लेकिन नफसियाती एक उनको एज हासिल हो गया कि पार टोटल से ज़्यादा बनाया और जवाब में इंग्लैंड की टीम रेत की दीवार हुई और सोलह आशारिया चार ओवर में पूरी टीम एक सौ तीन रन बना के आउट हो गई और इस तरह इन्हें मैच में अड़सठ रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा और दिफ़ाई चैंपियन इंग्लैंड जो है वो सेमीफाइनल से बाहर हो गई और टाइटल का दिफा करने में नाकाम रही 2022 में दोनों टीमों के दरमियान मैच खेला गया था एडलेट ऑस्ट्रेलिया में क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप खेला गया था और उसमें इंग्लैंड ने इंडिया को बासानी 10 विकटों से शिकस्त दी थी तो इंडिया ने आप कहें किसी हद तक उस मैच का उस शिकस्त का बदला ले लिया है अड़सठ रन की एक वाज बरतरी के साथ ये मैच जीता इंडिया की इनिंग का आगाज होता है तो उन्नीस के स्कोर पर पहली विकेट विराट कोहली तीसरे ओवर की चौथी बॉल पर आउट होते हैं और इनको बोल्ड कर दिया रीश टोपले द लेफ्ट आर्म लेंकी फास्ट बॉलर एक छक्का जरूर लगाया नौ गेंदों पे लेकिन यह विराट कोहली का अंदाज़ नहीं है खेलने का कि वो जारियाना अंदाज है वो मेरिट पे खेलते हैं कॉपी बुक स्टाइल पे स्टाला जिस जस्ट लाइक बाबर आजम ऑफ पाकिस्तान अब इन दोनों पे प्रेशर है क्योंकि इनके अलावा बाकी जो बैट्समैन है वो टी ट्वेंटी तर्ज की क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो उनका स्ट्राइक रेट मैच करने के लिए बाबर आजम ही की तरह विराट कोहली पे आपको प्रेशर नज़र आया और वो अपने नेचुरल स्टाइल से के फ्रॉम द बॉल वन स्लॉग करते हुए नज़र आए और हमें नज़र आया नज़र आ था कि ये स्लॉग ज़्यादा अरसा जारी नहीं रहेगा एक बॉल सही जगह पे पड़ गई और वो उन्होंने लाइन मिस की तो वो आउट हो जाएगा वही हुआ कि उनका लेग स्टम्प जो है वह अप्रूट हुआ ही वाज बोल्ड फॉर नाइन दूसरी विकेट 40 के स्कोर पे ऋषभ पंत छठे ओवर की दूसरी बॉल पे आउट होते हैं और जल्दबाजी कर गई ये भी और करन की एक बॉल को मिडल सम से टूवर्ड मिड विकेट खेल रहे थे सही एलिवेशन नहीं मिली और इनका कैच पकड़ा जॉनी बेस्टो ने तो इस टाइम ये चार रन्स बना के आउट हुए तो 40 के स्कोर पे दूसरी विकेट गिर जाती है फिर लेकिन यहाँ से जो पार्टनरशिप हुई है बिटवीन रोहित शर्मा एंड सूर्या कुमार यादव जहां पार्टनरशिप मैटर करती है किसी भी फॉर्म ऑफ क्रिकेट में आप खेलें तो पार्टनरशिप सबसे ज़्यादा मैटर करती है और ये तिहत्तर रन की पार्टनरशिप है सिर्फ पचास गेंदों पर जिसमें रोहित शर्मा ने बाईस गेंदों पर बत्तीस और सूर्या कुमार यादव ने अट्ठाईस गेंदों पे इकतालीस रन बनाए तो तिहत्तर रन की पार्टनरशिप इंडिया को मैच में किसी हद तक मोमेंटम दे गई और फिर हमने देखा कि रेस्ट ऑफ द बैटिंग छोटी छोटी इनिंग्स लेकिन इंपैक्टफुल इनिंग और इंडिया ने पार टोटल से ज्यादा रन बनाए तो तीसरी विकेट जो है वो एक के स्कोर पर इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा आउट होते हैं चौदह ओवर की चौथी बॉल पर क्रेडिट दे दें आप यहाँ पे इंग्लैंड के लेग स्पिनर राशिद खान को कि पहले दौर में सत्रह रन दिए लेकिन उसके बाद वापस आए और क्या जबरदस्त बॉलिंग की उन्होंने अपने बाकी दो ओवर्स में और हमें नज़र आया कि कंट्रोल है इसीलिए क्वालिटी कहा जाता है इनको आखिरी दौर में इन्होंने सिर्फ आठ रन दिए और एक गुगली बॉल जिसको मसल करना चाहते थे रोहित शर्मा पिक नहीं किया और बैट और पैट के दरमियान से वो कहते हैं वाइल्ड स्लॉग और बोल्ड हो गए 57 सेवन रन ही स्कोर ऑफ 39 नाइन बॉल्स हिटिंग सिक्स फोर्स एंड टू सिक्सेस और इस मुश्किल ट्रिकी पिच पे इनका स्ट्राइक रेट था 146 तो ये रोहित शर्मा है जनाब जैसी भी पिच हो जो भी हो वो एक अपना अंदाज जो है उस पर जारी रखते हैं क्रिकेट खेलना तो ये चौथी विकेट जो है आ, उसके बाद तीसरी के बाद चौथी विकेट 124 के स्कोर पे सूर्य कुमार यादव सोलवें ओवर की चौथी बॉल पे आउट होते हैं स्लोअर वन बैक ऑफ द हैंड जोफ्रा आर्चर की स्लोअर वन लेकिन इस वक्त इंडिया को तेज़ रन चाहिए थे आखिरी लम्हा थे और हमने देखा कि सोलवें ओवर का खेल उसके बाद सिर्फ चार ही ओवरें शॉर्ट खेल गए बॉल लेट आया और स्काई हो गया बॉल आसमान की जानब और क्रिस जॉर्डन जो कि सेफेस्ट फील्डर कंसिडर किए जाते हैं उन्होंने बिल्कुल बसानी इसको कैच को पकड़ा तो सूर्या कुमार यादव तीन रन की दूरी से अपनी निफ्ट एंच बनाने में नाकाम रहे छत्तीस गेंदों पर सैंतालीस रन बनाए जिसमें चार चौके और दो छक्के शामिल थे और इनका स्ट्राइक रेट भी एक ही था उसके बाद से पांचवें विकेट जो है वो हार्दिक पांड्या आए जरूर दो छक्के लगा दिए उन्होंने और उनका रोल भी यही था कि जाएं और फ्रीली खेलें और एक्सप्रेस करें अपने आप को और उनमें वो सलाहियत भी थी और हमने देखा कि दो छक्कों और एक चौके की मदद से तेरह गेंदों पे तेईस रन बनाए एक सौ सतहत्तर के स्ट्राइक रेट के साथ कॉट बाय करन ऑफ द बॉलिंग ऑफ क्रिस जॉर्डन और फिर उसके बाद से छठी विकेट जो है शिवाम डुबे जिनको हेल्ड बैक कर लिया गया था कि ये स्पिनर्स के अगेंस्ट बहुत अच्छा खेलते हैं और हमने देखा कि इंग्लैंड के कैप्टन ने लियाम लिविंगस्टन से भी बॉल करवाया और शिवाम डुबे आउट किया क्रिस जॉर्डन ने सिफर पे कॉट बाय जस बटलर द इंग्लैंड विकेट कीपर एंड कैप्टन और ये सिफर पे पहली बॉल पे ही आउट होकर वापस चले गए तो क्रिस जॉर्डन वाज ऑन हैट्रिक लेकिन हैट्रिक ना कर पाए सातवें विकेट 170 के स्कोर पे बीसवें ओवर की पांचवीं बॉल पे आउट होते हैं अक्षर पटेल लेकिन रोल अदा कर गए आखिरी दो ओवर में दो छक्कों और तीन चौकों की मदद से इन्होंने और रविंद्रा जदेजा ने ये जो पार टोटल है वन सिक्सटी सेवन उससे आगे अपनी टीम को लेकर चले गए तो अक्षर पटेल ने छः गेंदों पे एक छक्के की मदद से दस रन बनाए और ये सातवें विकेट तो इस टाइम तो के सात खिलाड़ी आउट हुए और एक सौ इकहत्तर रन बनाए मुकर बीस ओवर्स में आठ अशारिया पाँच पाँच की औसत रहे रविंद्रा जदेजा नौ गेंदों पे दो चौकों की मदद से सत्रह रन बनाए और अशदीप सिंह ने एक रन बनाया तो इंडिया की पूरी इनिंग में अगर नंबर ऑफ सिक्स देख लिया जाए तो आपको नजर आएगा कि इनकी जानब से कुल आठ छक्के लगे और इसी तरह चौकों की बात की जाए तो चौके कम है तेरह चौके और आठ छक्के इनकी इनिंग में शामिल है इंग्लैंड की बॉलिंग देखी जाए तो रीस टोपले तीन ओवर में पच्चीस रन दिए और एक विकेट हासिल की आठ अशार्या तीन तीन की औसत से रन दिए जोफ्रा आशर चार ओवर में तैंतीस रन देकर एक विकेट इनकी भी इकॉनमी आठ अशारिया दो पाँच रही सैमकरन बहुत महंगे थे दो ओवर में पच्चीस रन दिए और एक विकेट हासिल की बारह अशारिया पाँच सिफर की औसत से रन दिए आदिल रशीद जबरदस्त बॉलिंग मैं कहूंगा थ्रू आउट द वर्ल्ड कप चार ओवर में पच्चीस रन दिया और एक विकेट हासिल की छह अशारिया दो पांच इनकी इकोनॉमी क्रिस जॉर्डन कहते हैं डेथ हो में बहुत अच्छे लेकिन कल उनका दिन नहीं था और उन्हीं के इस स्पेल की वजह से मैं खास इंग्लैंड मैच भी हारा है तीन ओवर में सैंतीस रन दिया और तीन विकेट हासिल की बारह अशारिया तीन तीन की औसत से लो स्कोरिंग मैच में अगर आप बारह की औसत से रन दे रहे हैं और तीन ओवर में सैंतीस तो मैच कॉस्ट कर गया आपको लियाम लिविंगटन चार ओवर में चौबीस रन पार्ट टाइम स्पिनर और ज़बरदस्त बॉलिंग विकेट कोई नहीं ली लेकिन छः की औसत है चार ओवर में चौबीस रन दिए इंतहाई शानदार बॉलिंग जवाब में इंग्लैंड जिसको एक सौ बहत्तर रन का हदफ मिला उनका आगाज़ कोई इतना अच्छा नहीं है जस्ट बटलर जो है वो आउट होने वाले पहले बैट्समैन जब इनकी टीम का टोटल छब्बीस है और इनकी इनिंग के चौथे ओवर की पहली बॉल और जस बटलर ने पंद्रह गेंदों पर चार चौकों की मदद से तेईस रन बनाए हरशदीप सिंह के एक ओवर में तीन चौके दूर लगाए इस वक्त इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा लेकर आए जनाब अक्षर पटेल को और उनकी पहली बॉल पे रिवर्स स्वीप ट्राई की जस ने बहुत जल्दी कर थोड़ा देखते हैं बॉल का टर्न बाउंस पेस उसके हिसाब से पहली बॉल पे किया और टू एंड ऑफ द बैट बॉल लगी और स्क्राई हो गई और फिर विकेट कीपर ऋषभ पंत ने कैच पकड़ा थोड़ा स्लो बॉल भी किया था और इस तरह जस जो है वो आउट होकर वापस पर मिले विकेट आप दोबारा दाद दे, दे दें जसप्रीत बुमराह उन्होंने फिल सॉल्ट का आउट किया चौंतीस के स्कोर पे दूसरी विकेट गिरती है पांचवें और की चौथी बॉल पे पहला बॉल पेस के साथ किया उनके रिप केज में और बैट्समैन के माइंड के साथ खेल रहे हैं कि मैं तेज़ बॉल कर रहा हूं और उसके बाद से उसको आउटफॉक्स कर दिया जबरदस्त स्लो रन और बैट्समैन एक्सपेक्ट कर रहा था बॉल तेज़ आएगा और विद इन स्टम्प्स बॉल करने का फ़ायदा बैट और पैट के दरमियान गैप ऑफ ब्रेक किया उन्होंने और सीधा स्टम्प्स पर जाके लगी तो पांच रन बना के दो इंपैक्टफुल बैट्समैन जो है वो आउट पांच ही रन बनाए आठ गेंदों पर और इस तरह फील्ड सॉल्ट आउट होकर वापस चले गए फिर जॉनी बेस्टो लेग साइड पर रह के ज़्यादातर खेलते हैं उसका फ़ायदा होता है उन पिचेस पे जहाँ बॉल बैट पे आ रही हो लेकिन जहाँ बॉल स्लो आ रहा हो लो बाउंस हो ऐसी पिचेस पे अगर आप विकेट एक्सपोज करके खेलेंगे और बॉलर उसको पता है कि मुझे विद इन द स्टम्प्स करना है और सिर्फ बैट्समैन को लाइन मिस करनी है और वही हमने देखा कि जॉनी बेस्टो को पहली ही बॉल पर अक्षर पटेल ने ओवर की पहली ही बॉल पर इनको बोल्ड कर दिया इन्होंने तीन गेंदों का सामना किया तो इंग्लैंड की कमर जो है वो बैटिंग की वो टूट गई थी तीन खिलाड़ी पैंतीस के स्कोर पे छठे ओवर की पहली बॉल पर यहाँ पर सिलसिला नहीं रुका मोइन अली उनको प्रमोट किया गया था कि वो स्पिनर्स को काउंटर करेंगे लेकिन एक उनके लेग साइड पे ग्लव से पैड से लगती हुई बॉल गई लेकिन उन्हें पता नहीं चला बॉल कहाँ तक गई है और बॉल सिर्फ ऋषभ पंत के हाथ में थी और उन्होंने फ़ौरन पलक झपकते हुए स्टम्प्स पर बॉल लगाया तो इस तरह मोइन अली जो है वो स्टम्प होकर वापस आउट आठवें ओवर की पहली बॉल पे इंग्लैंड का स्कोर 46 और उसके चार खिलाड़ी आउट तीन रन के इजाफे के बाद सैम करन को आउट कर देते हैं कुलदीप यादव लेफ्ट आर्म अनऑर्थोडॉक्स चाइना मैन गुगली बॉल की और वो फ्रंट फुट पे जाने के बजाय बैक फुट पे चले गए आगे पड़ी हुई बॉल पर और फिर हमने देखा कि राइट इन फ्रंट ऑफ द विकेट वो प्लम हुए तो उनचास पे पांच विकेट यहां पे सिलसिला नहीं रुका अड़सठ के स्कोर पे हैरी ब्रुक ग्यारहवें ओवर की चौथी बॉल पे आउट होते हैं और इस तरह हैरी ब्रुक नजर आ रहा था थोड़ा बहुत अच्छा खेल रहे हैं लेकिन इनको भी क्लीन बोल्ड कर दिया एक रिवर्स स्विप करने में कामयाब हुए एक कन्वेंशनल uh, स्वीप करने में काबिल हुआ लेकिन लेग स्टंप पे पड़ी हुई बॉल को आप रिवर्स स्वीप करेंगे तो आपने अपना स्टंप एक्सपोज किया और सीधा स्टंप्स पे जाके लगी 25 रन बनाए 19 गेंदों पे तीन चौकों की मदद से और कुलदीप यादव ने इनकी विकेट हासिल की उसके बाद से जनाब हैरी ब्रुक के बाद क्रिस जॉर्डन आए बैटिंग करने तेरहवें ओवर की दूसरी बॉल पर जब इंग्लैंड का स्कोर बहत्तर है यहाँ पर इनको एल आउट कर दिया कुलदीप यादव ने ये सिर्फ एक ही रन बना पाए और उसके बाद से आठवें विकेट लियाम लिविंगस्टन की अनफॉर्चुनेटली रन आउट हो गए जोफ्रा आचर के साथ मैच खत्म हो चुका था लेकिन दोनों की अंडरस्टैंडिंग नहीं थी और ल्याम लिविंगस्टन जो है वो ग्यारह रन बना के रन आउट हुए और फिर उसके बाद से नौवीं विकेट आदिल रशीद जी हाँ सोलहवें ओवर की दूसरी बॉल पे आदिल रशीद बैटिंग तो नहीं कर पाए लेकिन बॉलिंग बहुत अच्छी करते हैं ये हमने देखा आदिल रशीद की परफॉर्मेंस ओवरऑल इस वर्ल्ड कप में काफ़ी शानदार रही और आदिल रशीद ये भी दो ही रन बनाए और रन आउट हो गए ज़बरदस्त पिकअप और थ्रो एक ही एक्शन पे यादव की जानेब से और आदिल रशीद दो रन बना के रन आउट हो गए और फिर दसवीं और आखिरी विकेट 103 के स्कोर पे जोफ्रा आर्चर को एल डब्ल्यू आउट कर दिया एक स्वीप करना चाह रहे थे विकेट के सामने उनके शूज़ पे बॉल लगी और सामने राइट एंड फ्रंट तो जोफ्रा आर्चर पंद्रह गेंदों पे दो छक्कों और एक चौके की मदद से इक्कीस रन बना के आउट हुए और इस तरह इंग्लैंड की पूरी टीम सोलह अशारिया चार ओवर में एक सौ तीन रन बनाकर आउट हो गई और इन्हें मैच में अड़सठ रन के एक वाजे फ़र्क से शिक्षत का सामना करना पड़ा इंग्लैंड की इनिंग में नंबर ऑफ सिक्स देखे जाएँ तो सिर्फ और सिर्फ दो छक्के जो कि जोफ्रा आचर ने लगाए और चौकों की बात की जाए तो इनकी जानब से कुल आठ चौके लग सके आठ चौके और दो छक्के और टी वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल और आपको एक रन चेस करनी है तो यही वजह है कि आपकी टीम एक सौ तीन रन बना के आउट हुई और मैच में अड़सठ रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा बॉलिंग देखे जाएंगे इंडिया की अशदीप सिंह दो ओवर में सत्रह रन दिए कोई विकेट हासिल नहीं की जसप्रीत बुमराह दो शारिया चार में बारह रन देके दो विकेटें हासिल की चार अशारिया पांच सफर इनकी इकॉनमी अक्षर पटेल चार ओवर में तेईस रन दे तीन विकटे पाँच शरिया सात पांच की इकोनमी मैन ऑफ द मैच भी करार पाए कुलदीप यादव चार ओवर में उन्नीस रन देकर तीन विकेटें हासिल की रविंद्र जडेजा तीन ओवर में सोलह रन दिए कोई विकेट हासिल की और हार्दिक पांड्या ने एक ओवर में चौदह रन दिए और कोई विकेट हासिल की अब जनाब इंडिया की टीम फाइनल में पहुंच चुकी है और फाइनल होगा बिटवीन इंडिया एंड साउथ अफ्रीका देखते हैं कौन सी टीम जीतेगी क्या इंडिया दो हजार तेरह के बाद दोबारा वर्ल्ड कप जीतने लगी है या फिर साउथ अफ्रीका फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री वर्ल्ड कप का टाइटल अपने नाम करने में कामयाब होती है कीप ऑन वॉचिंग स्पोर्ट थ्री सिक्सटी स्पोर्ट्सिटीज फ्रॉम अल्ड